So students, now next question number 3. थ्री क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी पहले समझें. इफ द जीरोज आपकी पॉलिनोमियल दिया गया है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है, पॉलिनोमियल पी एक्स इज गिवन एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इसके जीरो जो है अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू ए और गामा इज इक्वल टू ए माइनस बी. हमें क्या करना है टू फाइंड ए एंड बी, ए और बी दोनों को हमें क्या करना है फाइंड करना है. पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है तो पॉलिनोमियल के बाद जो है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल ए माइनस बी ए और ए प्लस बी. तो हम क्या करते हैं इस पॉलिनोमियल को पहला जो है रिलेशनशिप होता है यानी हम कंपेयर करते हैं एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो. ए को कंपेयर करेंगे तो यहां पर हमारे पास जो है ये वैल्यू वन है, b is equal to minus 3 and c is equal to 1, d is equal to 1. तो यहां पर लिखेंगे now alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a. alpha की वैल्यू क्या है, a minus b plus a plus a plus b is equal to minus b की वैल्यू है minus 3 upon a की वैल्यू है 1. यहां हम देख रहे हैं b से b कट गया, 3a is equal to यहां पर 3, a is equal to 1 हमें मिल गया. अब बारी आती है क्योंकि हम जो है सबसे convenient value को लेते हैं, हम start करते हैं इसके product की. तो product की value को जब हम ले रहे हैं तो इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि हम taking two at a time alpha beta beta gamma gamma alpha भी ले सकते हैं लेकिन जो है थोड़ा calculation ज्यादा करनी पड़ेगी. इसलिए सबसे आसान है alpha beta gamma is equal to, तो alpha beta gamma की value होती है minus d upon a. alpha की value हो गई आपका a minus b a और यहाँ पर a plus b is equal to d की value यहाँ पर कितनी दी गई है 1, तो minus 1 upon 1. अब बारी आती है हम यहाँ पर a की वैल्यू को भर देते हैं तो 1 माइनस b इनटू 1 प्लस b, यहाँ हम सॉल्व करेंगे 1 स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 यानी 1 माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1. इधर ले आएंगे 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर सो b इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 2. तो ये हमारे पास a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर. हमने देखा कि इसमें यहाँ पर हमारे पास जो है a b और c की वैल्यू, हमने जो है c की आवश्यकता यहाँ पर जो की क्वेश्चन से हमने कंपेयर किया d की वैल्यू निकाला, ये a b c और ये a b c तीनों में अंतर है, ये इसके जीरोस के फॉर्म में है और यहाँ पर कंपेयर करने पर केवल वैल्यू है. तो हम इन दोनों को सेम ना समझे कि पता लगा कि जो है a की वैल्यू 1 मिली थी यहाँ a पुट कर दिया, b की वैल्यू 3 मिली थी यहाँ b पुट किया, ये दोनों सेम नहीं है, ये केवल हमने जो है फॉर्मेशन के लिए बनाया है. हालांकि a माइनस बी ए और ए प्लस बी ये हमारे पास गामा की वैल्यू है, दिस इज अ प्लस पॉजिटिव साइन, दिस इज अ पॉजिटिव साइन, दिस इज अ पॉजिटिव साइन, दिस इज अ 3 जीरोस. सो स्टूडेंट्स नाउ दिस फर्स्ट इक्वेशन एक बार मैं इसको और समराइज कर दे रहा हूं. ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस अल्फा बीटा गामा दिए गए हैं, हमें ए और बी की वैल्यू को निकालना है. इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी डी को हमने फाइंड कर लिया, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का यूज किया, अल्फा बीटा गामा सबकी वैल्यू हम यहां पर भरेंगे, यहां माइनस वैल्यू माइनस भर के हमने सॉल्व किया, ए की वैल्यू 1 आ गई. ये जो ए निकला है ये एक्चुअल में इस वाले ए की वैल्यू है,
इस ए की वैल्यू को प्रोडक्ट में रख करके हम सॉल्व करते हैं तो बी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट में 2 हमारी फाइंड हो जाती है। सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा सा समझिए, और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो एक बार उसे दोबारा पढ़िए, अगर दो बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है तो कोई बुराई नहीं है, उसको 3 टाइम भी पढ़ा जा सकता है। तो आप 2 टाइम 3 टाइम पढ़ने के बाद जब आपको लगे कि कुछ कुछ हमें समझ में आ रहा है तो हम स्टार्ट करते हैं। इफ 2 जीरोस आर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है एक्स क्यू माइनस 6x³, एक पॉलिनोमियल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 px इज इक्वल टू यहां पर x की पावर 4 माइनस 6 x³ माइनस 26x² और प्लस 138x माइनस 35। एक बार फिर से पॉलिनोमियल देख लीजिए, x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x और माइनस 35, और आप इसके जीरोस दिए गए हैं यहां पर अल्फा जीरोस यानी कि फर्स्ट 2 प्लस यहां पर 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 सो स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर जीरोस ये वैल्यू दी गई है, तो पहली वैल्यू x इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट में 3 और x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट में 3, प्लस माइनस था। पहले बात हमें इसमें ध्यान देने की है इस क्वेश्चन में कि इसकी पावर 4 है, तो इसके पावर 4 होने की वजह से इसकी डिग्री भी 4 है, और जब डिग्री 4 मिलेगी तो हमारे पास इसके जीरोस की संख्या भी क्या होगी, 4 होगी। तो जिसमें से 2 जीरोस तो हमारे पास गिवन है। पहले मैं वर्किंग प्रोसीजर समझा देता हूं, उसके बाद फिर आगे का काम हम लोग करेंगे। तो x की ये 2 वैल्यू तो दी गई है, बाकी रिमेनिंग 2 वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके जीरो से इसके हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर को हम प्रोडक्ट करेंगे तो एक पॉलिनोमियल हमें gx मिलेगा। gx पॉलिनोमियल से px में हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे जो क्वोशिएंट मिलेगा उसको फैक्टराइज करके उसके 2 रिमेनिंग जीरोस को फाइंड करेंगे। ये हमारा टोटल एजेंडा है। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर इज अ x माइनस 2 माइनस अंडर रूट में 3 इक्वल टू 0। Here is also x minus 2 plus under root 3 is equal to 0. अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो भी मिलेगा, so x minus 2 minus under root में 3 left में और x minus 2 plus under root में 3 right is to 0. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x minus 2 को हम अगर एक टर्म मान ले तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2 का यहां पर स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर एक बार माइनस साइन है एक बार प्लस साइन है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x square minus 4x plus 1 is equal to 0. So polynomial हमारे पास gx जो होगा x square minus 4x plus 1. इस polynomial से हमने जो है ये polynomial मिला है, इस polynomial को यानी px को हम इससे divide करके देखेंगे कि हमें quotient क्या मिल रहा है। तो जब हम इसमें division को perform करते हैं students तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि ये सभी की पावर जो है हमारे डिक्रीजिंग यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर के क्रम में होनी चाहिए, और जब ऑलरेडी दिख रहा है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर के क्रम में हमारी पॉलिनोमियल है तो हम जो है सिंपल हमें कुछ नहीं करना है परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन। तो दिस इज अ लॉन्ग डिवीजन, x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² 138x माइनस 35।
एंड द zx इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। हम इससे इसमें डिवाइड करते हैं, लॉग डिवीजन को परफॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट। तो x स्क्वायर में डिवाइड करने के लिए हमें इसमें x की पावर 4 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि वो हमारा x की पावर 4 हो जाए, तो वो नंबर है x स्क्वायर। तो ये नंबर हमारा x स्क्वायर, तो इस पूरे पॉलिनोमियल के टर्म में हम x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, x की पावर में 4 माइनस 4x का क्यूब प्लस यहां पर x स्क्वायर, ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस, ये पहला टर्म हमारा क्या होता है, कट जाता है। अब बची क्वांटिटी हमारे पास क्या है, तो माइनस 6 में से 4 माइनस हुआ तो माइनस 2x का क्यूब और यहां पर माइनस 27x का स्क्वायर 138x माइनस 35। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। इस पहले स्टेप के कंप्लीट होने के बाद जो है हम यहां पर अगले स्टेप की ओर आते हैं। x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2x का क्यूब हो जाए, तो वो नंबर है माइनस 2x बार। तो ये हो गया माइनस 2x का क्यूब, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, 2 4 जा 8x का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2x, दिस इज अ पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, दिस इज एलिमिनेटेड टू फर्स्ट सेकंड 27 और 28, यहाँ पर 5 35 माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35। हमने जब इसे डिवाइड किया तो हमने जो है माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35 हमें मिला। अब जो है हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं किससे, यानी x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 35x स्क्वायर हो जाए, तो वो नंबर है माइनस 35। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 35x स्क्वायर प्लस 140x और माइनस 35, इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पहला वैल्यू दूसरी और तीसरी, ये सभी वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, कट जाती हैं और ये हमारे पास जो है क्यू एक्स जो मिला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब हमारे पास इस क्यू एक्स को कोशियंट को हम क्या करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करते हैं। जब फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट्स तो मल्टीप्लाई करने पर 35 आना चाहिए, माइनस करने पर 2 आना चाहिए, तो 7 5 जा 35 और 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। सो हियर इज x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5 x माइनस 35, हियर इज x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू x ब्रैकेट में x माइनस 7 5 ब्रैकेट में x माइनस 7, सो x माइनस 7 और x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब यहां पर जीरोस फाइंड करना है तो x माइनस 7 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू माइनस 5, यानी इसके रिमेनिंग जो दो जीरोस थे उन दोनों जीरोस को हमने जो है यहां पर फाइंड कर दिया, एक 7 आ गया एक माइनस का 5 आ गया। तो स्टूडेंट्स एक बार में, एक बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी है थोड़ा, मैं इसको एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। पहला वर्क क्या है, पहला वर्क है पॉलिनोमियल को लिखना, दूसरा वर्क उसके जीरोस को लिखना, जीरोस के अंदर दो साइन लगी है, एक पॉजिटिव साइन एक नेगेटिव साइन, एक बार हम उसे प्लस साइन के साथ x की वैल्यू लिखेंगे, एक बार माइनस साइन के साथ x की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम उसके जीरोस को फाइंड करेंगे, फैक्टर मिल जाएगा, इन दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो है एक पॉलिनोमियल मिलता है जो हमारा कहलाता है जी एक्स। जी एक्स मिला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से हम पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 1 38x माइनस
35 को हम डिवाइड करते हैं पूरी तरह से, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, इसलिए पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया, क्वेशिएंट मिल गया। इस क्वेशिएंट को हम जो है फैक्टराइज करके दो फैक्टर फाइंड करते हैं और दोनों फैक्टर से हम इसके जीरोज को निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमने जो है आसानी से इजीली रूप से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर दिया है।